हमको बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है, पर अभी तक वो अपडेट आया नहीं है। और वो लाई है हमारे लिए इंडिया से भी पार्सल। अभी हमें एक ईमेल आया है कि थोड़ा शॉक हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज निकाले, जैसे वी आर रियली डिसअपॉइंटेड। इन्हें भेजा है ये तो प्रियंका, ये मतलब मेरा फेवरेट आइटम है ये। सो ये अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। जी हाँ, आज हम व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि भाई जब भी नायरा को नर्सरी जाना होता है, मतलब मेरी लेफ्ट राइट हो जाती है। एक तो ऑब्वियसली होपफुली आपने कल का व्लॉग हमारा देखा ही होगा Q&A का, तो आपको बता देती हूँ कि वो व्लॉग हमने कल रात को 9:30 शूट करना स्टार्ट किया था। 11:30 तक हमने शूटिंग कंप्लीट की थी और फिर मैं एडिटिंग कर रही थी, तो एडिटिंग करते करते बज गए थे 2:00। तो 2:00 मैं सोई, फिर आप समझ सकते हो कि सुबह उठने में कितना लेट हो जाता है। तो मैं 8:15 उठी और फिर बस भागा दौड़ी तब से ही चालू है। और आने के बाद में मेरा सब काम वाम सब ख़त्म कर रही थी, इसमें व्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ी देरी हो गई। तो बस यही है अभी के हाल। नायरा मैडम हमारी गई है नर्सरी, प्रियांक कर रहे हैं अपना काम। और आज के वेदर का क्या बोले, मतलब वेदर हमको रियलाइज़ करा रहा है कि भाई धीरे धीरे विंटर आना शुरू हो गया है। अभी टेम्परेचर नीचे गिर रहा है, सन बहुत जल्दी ये साइड, सो दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन। सुबह की धूप इधर आती है और शाम की धूप इधर आती है ये साइड। तो अभी कैसा होता है कि पहले क्या था पता है, 12:30 तक ये साइड हमें ईस्ट साइड धूप दिखती थी और जब हम रहने आए, और ये 2 वीक में अचानक से इतना चेंज आ गया है कि अभी तो 11:30-12 धूप यहाँ पहुँच जाती है। तो मतलब ये एक इंडिकेशन है कि भाई दिन छोटे हो रहे हैं और टेम्परेचर नीचे गिर रहा है और विंटर आ रहा है। ओ माय गॉड, मतलब दूसरी बार, मतलब दिस विल बी आवर सेकेंड विंटर। एटलीस्ट हमें पता है कि कैसा होने वाला है। और अभी तो हमारे पास फ्रेंड्स भी है, लाइक वी हैव गॉट सो मैनी एक्टिविटीज़। तो आई गेस होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, लास्ट विंटर से ये विंटर बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। बस यही कुछ हाल है अभी के। अभी बस लगते हैं काम पे, भाई बहुत सारा काम भी पेंडिंग है। ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर पड़ा है। और ये भाई, ये स्टैंड के बारे में मुझे कुछ बोलना है, इतना अच्छा है, मतलब कपड़े भी इतनी जल्दी सूख जाते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग रहते हैं कपड़े इसके लिए, हाँ थोड़ी जगह लेता है बट इट्स फाइन, हमें रोज़ कपड़े धोने नहीं होते हैं तो इसके लिए वो चल जाता है। तो गाइज ऑल, मैं मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि डू बाई दिस काइंड ऑफ कपड़े का स्टैंड रदर देन वो स्टैंडिंग वाला, दिस वुड बी बेनिफिशियल। बस चलिए अभी फटाफट लगते हैं काम पे और फिर आगे आगे दिखाते जाएंगे हमारे दिन का प्लान। और एक चीज़ बताती हूँ कि 1-2 दिन में अभी हमको तो बोला था कि वो घर के डिपॉजिट के बारे में, अगर हमने आपको बोला है कि हमको बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है, पर अभी तक वो अपडेट आया नहीं है। सो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि भाई क्या होगा। जैसे ही हमें कुछ उसके बारे में अपडेट मिलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ की ज्योति हमारी फ्रेंड इंडिया से आ गई है और वो लाई है हमारे लिए इंडिया से पार्सल। यस, इट वाज वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने हमको पूछा कि कुछ आपको चाहिए इंडिया से, और स्पेशली अभी कल ही रक्षाबंधन गया है तो यस, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आई है इंडिया से। जैसे ही आती है वो भी गिफ्ट आप सबको बताते हैं। बज रहे हैं 12:30 और अभी अभी हमें एक ईमेल आया है हमारे पुराने घर के लेटिंग एजेंसी से, और हम लोग वो ईमेल देख के थोड़ा शॉक हो गए हैं, क्योंकि वो ईमेल में उन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी है
कि जब हमने घर उनको वापस हैंडओवर किया, हमारा जो पुराना घर हमने उनको वापस हैंडओवर किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे इश्यूज निकाले हैं। तो हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मतलब 20-30 पेज की वो रिपोर्ट है। छोटे छोटे इश्यूज निकाले उन्होंने कि हर दीवार पे एक छोटा सा स्क्रैच भी हो या एक छोटा सा मार्क भी हो, वो भी उन्होंने लिखा है कि ये सारी चीज़ों का आपको डैमेज भरपाई करनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे ये लोग कितना स्ट्रिक्ट है। मतलब ऐसे नाखून भी आपका लगा होगा ना, वो भी उन्होंने काउंट किया है उसमें। तो नेचुरली हमने कोशिश की थी, आप लोगों ने देखा ये व्लॉग में, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किस लेवल की क्लीनिंग की है, फिर भी उन्होंने लिखा है कि ये घर बराबर क्लीन नहीं है। मतलब हमें पता नहीं कि अब इससे ज़्यादा हम क्या कितना क्लीन कर सकते थे। मतलब प्रोफेशनल ग्रेड क्लीनिंग की थी हमने। आफ्ताब, पिंकी, खुशबू, हमने चारों ने मिलके किस लेवल की क्लीनिंग की, ये सब आप लोगों ने देखा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में, लेकिन वी आर डीपली शॉक्ड बाय द रिपोर्ट, द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। उन्होंने इतने इतने इश्यूज निकाले हैं वो रिपोर्ट में। और एक्सटीरियर, अभी मेन गेट मुझे याद है प्रियांक की, मैंने कैसे क्लीन किया था, फिर अगर ऐसा कोई चीज लटक रही है तो वो, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज निकाले। जैसे वी आर रियली डिसअपॉइंटेड के लोग मतलब इतने लेवल तक यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं। बट आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारा चेयर का लेग थोड़ा हिल रहा था, बट वो कैसा था, वेर एंड टेयर था। मतलब हम चेयर पे बैठ के जंप तो नहीं मार रहे थे जिसके कारण वो चेयर का लेग ढीला हो गया। वो तो एक साल से हम लोग वो चेयर यूज़ कर रहे थे, तो उसका एक लेग ढीला हो गया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर बोल रहे थे कि सोफ़ा पे कुछ मार्क्स है, तो सोफ़ा बराबर क्लीन नहीं किया है। डाइनिंग टेबल पे थोड़े स्क्रैचेज है, मतलब बारीक बारीक स्क्रैचेज है, वो बोल रहे कि उसका भी आपको देना पड़ेगा। तो बोलना चाहते हो कि भाई, तो आप घर यूज करते हो तो कुछ तो आता है ना, राइट? मतलब कुछ चीजें वेर एंड टेयर में गिनी जानी चाहिए। अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है कि हमको किस किस चीज का डैमेज का भरपाई करना है, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट शेयर की। उन्होंने बोला है कि अभी हम लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं और रिपोर्ट में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ों के लिए आपको पैसे देने। फॉर एग्जाम्पल, सिंक के पीछे पानी उड़ता रहता है, तो सिंक के पीछे का पेंट थोड़ा निकल गया है, बट वो तो होना ही है नेचुरली। वो पेंट ही वैसा है कि वो उस पर आप थोड़ा पानी उड़े तो निकलता ही है। अभी वो वहाँ पे आइडियली टाइल होना चाहिए, जो हेडबोर्ड या कुछ बोलते हैं उसको, स्प्लैश बोर्ड या स्प्लैश बैग कुछ बोलते हैं। हमारे ये घर में ना देखो, सब जगह पे आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सिंक है, तो ये सिंक के पीछे ना टाइल है। अभी यहाँ पे आप अगर आप बर्तन धो रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइल पे पानी उड़ेगा तो इसको कुछ नहीं होगा, इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पुराने घर पे वहाँ पे पेंट था उसके पीछे, तो अभी वो पानी उड़ उड़ के वो पेंट थोड़ा पिघल के निकल गया था, थोड़ा डिस्कलरेशन आ गया था एक दो जगह पे। तो चलो, नायरा ने ही गंदा किया था और वो घिस निकल ही नहीं रहा था, वो हम मानते हैं। वो कुछ निकला हुआ है मॉइस्चर की वजह से, वो निकल रहा है जैसे यहाँ पे। हाँ, तो वो भी वेर एंड टेयर में ही, वो भी वेर एंड टेयर। तो काफी चीजें हमें ऐसा लगता है कि वेर एंड टेयर में आनी चाहिए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अगले स्टेप का। और अगला स्टेप ये है कि हमारी जो लेटिंग एजेंसी है, वो अब वो रिपोर्ट को देखेगी और वो रिपोर्ट में देखेगी कि हमको किस किस चीज़ों के पैसे भरने हैं, किस किस चीज़ों को वो लोग वेर एंड टेयर में काउंट करेंगे। लेकिन ओवरऑल डीपली डिसअपॉइंटेड, हमें पता नहीं था कि इस लेवल तक यहाँ पे चेकिंग होता है। बट जो हुआ सो हुआ, अभी देखते हैं, आपको एक दो दिन में अपडेट देंगे जैसे ही आता है। एटलीस्ट जो चीजें वेर एंड टेयर में आती है उसके हम फुकट के पैसे नहीं भरेंगे। हम एग्री करते हैं कि जो नायरा ने खराब किया है, जैसे उसके मार्क है, या तो फिर अगर वो लेग, वो चेयर का भी बोले कि आप थोड़ा पैसा भर दो, तो ठीक है, वो भी हम थोड़ा भर देंगे। पर मुझे नहीं लगता है छोटे छोटे मार्क्स के लिए हम पैसे भरेंगे। तो भाई, घर थोड़ा तो यूज होगा ना, आप उधर रहते हो, एक साल पूरा निकाला है, तो ऐसे छोटे छोटे मार्क्स तो आते ही रहेंगे। राइट, देखते अभी आप लोगों को बताएंगे आने वाले दिनों में, कल या परसों, जैसे वो उनकी फाइनल रिपोर्ट आती है, जिसमें वो लोग बताने वाले हैं कि जितने डैमेजेस लिस्ट हुए हैं वो रिपोर्ट में, उसके अगेंस्ट हमें पैसे देने हैं कि नहीं, तो आपको बताते हैं अभी एक दो दिन में। बट यह सोचा कि आपको एक अपडेट दे दिए। लगे हाथ हम लोग अभी थोड़ा केयरफुल रहने वाले हमारे इस घर में भी। नाउ वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि यहाँ पे लोग, मतलब मैंने देख लिया भाई, कोई भी चीज़ में वो लोग, मतलब उनका बस यही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी आपको पैसे देने ही है। तो वी आर मेकिंग श्योर कि ये घर में कहीं पे भी ऐसा डैमेज अगर हमें पहले से दिखे, तो हम लोग उसको रिपोर्ट करने वाले। अभी मैंने मेरे करंट लैंडलॉर्ड को मेल डाल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, हमारे घर के एंट्रेंस पे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये पूरा उखड़ा हुआ है। अभी ये पहले से ऐसा आया था क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे लीकेज हुआ था और ये पेंट सब उखड़ गया है यहाँ पे। तो इसका ऑलरेडी मैंने लैंडलॉर्ड को मेल तो डाल के रखा था कि भाई देख, हम लोग आए उस दिन से ये डैमेज है, तो अभी तो बाद में ऐसा मत बोलना कि भाई ये हमने किया है। तो आज मैंने उसको वापस मेल डाला है कि भाई तू कंफर्म कर कि ये डैमेज हैंडओवर के टाइम पे था और ये हमने नहीं किया है।
और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ये घर में भी, जैसे यहाँ पे फर्नीचर में कहीं कहीं, हाँ ये देखो ये यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स है। अभी भाई किसी पे भरोसा कर नहीं सकते कि ये लोग कुछ भी निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स है, और ये देखो ये जो पेंट है ना, इन्होंने पुअर क्वालिटी का पेंट यूज़ किया है, तो यहाँ पे से ना ऑटोमेटिकली ये पपड़ियाँ निकल रही है। तो अभी मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता हूँ भाई। ये सब चीज़ें मैंने अभी फोटो डाल के हमारे करंट लैंडलॉर्ड को भेज दिए, जस्ट फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, कि भाई बाद में जाके तुम लोग बोलना मत कि ये हमने किया है ये सब। गाइज एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप लोग भी लंदन आने के प्लान कर रहे हो या लंदन में कहीं पर रहते हो, और अगर आपने आपका फ्लैट लेटिंग एजेंसी के थ्रू लिया है, मतलब डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के थ्रू नहीं लिया है, तो मेक श्योर करना कि आप फ्लैट को जितना हो सके उतना क्लीन रखो, क्योंकि लेटिंग एजेंसी वालों का काम ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के पैसे काटने का रहता है। तो जस्ट बी केयरफुल दैट इफ़ यू आर बाइंग, इफ़ यू आर रेंटिंग अ फ्लैट थ्रू अ लेटिंग एजेंसी, वो लोग स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत डीप में करने वाले हैं हर चीज़ की। तो ध्यान रखना ये चीज़ का कि फ्लैट को बिल्कुल आप गंदा ना करें। दोपहर के बज रहे हैं 1 और बाहर मस्त धूप खिली है, देख लो भाई, और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। आज ठंड वैसे कम है, कल थोड़ी ठंड ज़्यादा थी, बट आज मस्त बेरेबल है। तो आजकल कैसा हो गया ना कि मेरे को नहाने का भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब नहाने तक का तो छोड़ो, ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलता है। मेरा मंडे टू फ्राइडे इतना हेक्टिक होता है कि सुबह को एक तो मैं उठता हूँ 7:30-7 बजे के आसपास, और उठते ही ना हमारी नायरा मैडम, मतलब वही उठाती है मुझे, फिर उसके पीछे ड्यूटी लग जाती है, उसको खिलाओ, उसको उसका पॉटी साफ़ करो, उसको नहलाओ, उसको नर्सरी के लिए रेडी करो, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। उसके बाद खुशबू टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि 9:45 बजे से मेरी ऑफिस की मीटिंग्स चालू हो जाती है, तो मेरे को ब्रश करने तक का टाइम नहीं मिलता है। ऐसा होता है कि मैं पहले एक मीटिंग अटेंड करता हूँ, फिर जाके ब्रश करता हूँ, फिर जाके नाश्ता करता हूँ, और नहाने का तो फिर छोड़िए, भूल ही जाओ, कभी होता है वो। तो जनरली ऐसा होता है कि 12-1 बजे ही मेरा नहाने का होता है, तो जस्ट मैं अभी नहा के आया, और आते ही तुरंत मैं बैठ जाता हूँ लंच पे, और लंच के बाद वापस नॉनस्टॉप मीटिंग्स में लग जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या ये मीटिंग ही खेल रहा हूँ पूरा दिन, मतलब सॉफ्टवेयर पे तो काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, बस मीटिंग करते रहो, वैसा हो गया। एनीवे ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क लाइफ। चलो लंच हो गया है शुरू, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आज लंच में क्या है। सो लंच में है, ये है मूली, यहाँ पे छोटी छोटी ब्रिटिश रेडिश आती है गोल गोल, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ में है तड़ेला मर्चा, और ये है ग्रीक ऑलिव्स एंड फेटा चीज़ का सैलड, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा था, हम लोग लिडिल से लाए थे, तो आज इसको खोलेंगे खाएंगे। सब्ज़ी में है फ्लावर की ड्राई सब्ज़ी, गर्मा गर्म दाल है, तुवेर की दाल है, गर्मा गर्म रोटी है, और यहाँ से रोटियों की डिलीवरी अभी आती रहेगी। अच्छा डिलीवरी के साथ यहाँ पिंकी के साथ हम हमारा दुख बांट रहे हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा जो झटका हमें लगा है पिंकी, पिंकी हमें सांत्वना दे रही है कि ये सब आप लोगों से जितना हो सकता था आपने किया, बाकी अरे वाह क्या बात है। Yes. बढ़िया बढ़िया। तो भाई हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि आज से 10 साल बाद जब नायरा हमारे व्लॉग्स देखेगी, तो वो देखेगी कि भाई नायरा ने मतलब कितनी मचाई थी वो घर में, जिसके कारण हमें कितना जुर्माना भरना पड़ा। बट ये सब तो समझने की बात है, अभी वो बेचारी बच्ची है, उसको मालूम नहीं है कि ये सब चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, ये सब चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं। तो वी आर इग्नोरिंग इट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं है दीवारों पे क्या करना है नहीं करना है, तो वो सब चीज़ों का हमें अफसोस नहीं है। बट हमें अफसोस इस बात का ऐसा होता है कि भाई हमने इतनी अच्छे से दिल से सफाई की, पर उसके बाद भी इतने सारे मिस्टेक्स उन्होंने निकाली। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, अभी भूल जाओ उसको। अभी आपको बताएंगे 1-2 दिन में जैसे उनका पूरा आता है डिटेल के भाई हमको कितने पैसे देने हैं। पिंकी बता रही थी कि ये सब होना ही था, वो लोग पिंकी के साथ भी ऐसा हो चुका है पहले कि वो हर चीज़ का वो लोग बारीकी से निरीक्षण करते हैं, और एक छोटी सी खरोच भी होगी दीवार पे उसके भी पैसे वो लोग चार्ज करते हैं। तो अभी जो हुआ सो हुआ, चलो अभी फटाफट खाना खाते हैं, ये सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। बज रहे हैं 1:20 है मेरे पास खाना खाने का, फिर मैं वापस लग जाऊँगा काम पर, और फिर नॉन स्टॉप मेरी मैराथन मीटिंग्स है वापस। बज रहे हैं 5:30, ऑफिस का काम हो गया ख़त्म, नायरा मैडम हमारी आ गई है स्कूल से घर पे, और आज हम लोग पौधों को पानी डालना भूल गए थे। वैसे आपको दिखा दें, ये पहले हम लोग ने हमारे हॉल में रखा था, लेकिन क्योंकि ये अंदर पता नहीं मर गया, तो इसमें और मिट्टी डाल के हम लोग ने इसको दरवाजे के बाहर रख दिया, तो यहाँ पे खुशबू बराबर रह रहे हैं।
एक्चुअली वो इसलिए था कि वो छोटे गमले में था, इसमें बड़े में ट्रांसफर किया और ज्यादा मिट्टी डाली ना, तो अभी के लिए तो ठीक हो गया है, पर मुझे लगता है फिर वापस इसको और बड़ा है चाहिए गमला, देख रहे हो? इसको और बड़ा गमला लगेगा क्योंकि पेड़ इतना, मतलब ये पौधा इतना बड़ा है। उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जैसे मिट्टी डाली कल, पता है ना ऐसे पूरे गिरे हुए थे, आज एकदम ठीक हो गए। नायरा हेलो, हेलो मम्मा ने फोन पड़ी गयो, क्या पड़ी गयो? अरे बाप रे, नायरा ते आज स्कूल में शू कर्यो? आज स्कूल में प्ले प्ले कर्यो। रोज प्ले प्लेज करवानो? टॉय साथे खेलू। टॉय साथे खेलू? बीजू तेरा फ्रेंड्स आया था स्कूल में? तेरा फ्रेंड्स आया था आज स्कूल में? नो कराई। तेरा फ्रेंड्स आया था आज? बुक में कराए। तो इनको अभी नया शौक जागा है, आजकल ये एक ड्राइंग बुक पकड़ लेती है, और ये जो डनेम से मैं इसके लिए पाउच लाया था इसमें अपनी स्केच पेन रख दी है उसने, और बस पूरा दिन लगी रहती है ये पाउच और एक हाथ में बुक लेके घूमती रहती है। बट अच्छा है, देखो ये इस तरह से कुछ ट्रेसिंग और कलरिंग करती है, तो इसको भी समझ में आ गया कि ले लो। हाँ वैसे ये ना बाउंड्री के अंदर ही कलर करती है, तो भी एक अच्छी बात है कि उसको समझ में आ गया कि बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। अभी मुझे भी साथ में करना है, चलो ओके करो। जो यहाँ कर पापा, यहाँ कर लोगे? ओके चलो तू कर फटाफट। वाव चलो नहीं रहा पापा। पापा नहीं है ये पिंक कर पापा। ओके करो पापा, तो ये देखो आपको दिखाता हूँ। हाँ हूँ करूँ चु, चल तू स्टार्ट कर। ये देखो इसको बराबर समझता है कि वो बॉक्स में ही करना है, तो वो उसके बाहर नहीं जाएगी वो। गुड गर्ल, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे सूखे हुए कपड़े, आज क्योंकि सनलाइट इतनी अच्छी थी तो हमने सब बाहर डाल दिए थे कपड़े सुखाने को, बराबर कि नहीं? अरे वाह, ये तो देखो इधर मस्त खुशबू नीचे ही बैठ गई है। बैठ के मैं तो चेयर पे भी नहीं बैठना था, इतनी अच्छी धूप आ रही है, तो अभी इसका मजा नहीं लेंगे तो कब लेंगे? बराबर है, और ये ज्यादा दिन तो टिकने वाला है नहीं, अभी 15 दिन और है, सबको पता है। उसे एक और बात करनी थी, Q&A के वीडियो पे आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आई, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आई, तो सब लोगों को दिल से वंस अगेन थैंक यू। हम लोग को नहीं पता था कि आप लोग इतना Q&A के लिए वेट कर रहे थे, हमने कोशिश की है, कोशिश तो नहीं मतलब हमने हर एक क्वेश्चन के आंसर दिया था, जितने क्वेश्चन हमारे पास आए थे सबके हमने सही आंसर, ट्रूथफुल आंसर दिए थे। तो आई होप आपको वो सेशन अच्छा लगा, और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा कुछ वापस करें तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। मीटअप की डेट नज़दीक आ रही है, सैटरडे को मीटअप है, टाइमिंग अभी कुछ कन्फर्म करेंगे एक दो दिन में व्लॉग में, बट आई होप आप लोग आओगे। जो भी आ सकता है प्लीज़ आना, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। बज रहे हैं रात के 9:30, डिनर विनर हमारा हो गया कंप्लीट, नायरा आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गई, 8:30 बजे ही सो गई, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ ज्योति और तुषार के घर पे, क्योंकि ज्योति और तुषार गए थे इंडिया और हमारे लिए वहाँ से इंडिया से एक पार्सल लाए। सो एक्चुअली मेरी मम्मी ने, मेरे बहन ने और हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमारे लिए ज्योति और तुषार के थ्रू एक पार्सल भेजा है, तो आई एम श्योर उसमें कुछ रक्षाबंधन रिलेटेड आइटम होने वाली है, तो घर जाके पहले पार्सल खोलेंगे, बाद में दिखाता हूँ आपको, बट फिलहाल पहले जाके मुझे पार्सल कलेक्ट करना है, तो चलो पार्सल कलेक्ट करते हैं। और ये देख लो भाई, मैं आ गया हूँ हमारे पुराने घर वाले एरिया में, बस यहीं पे आगे स्ट्रेट जाओगे तो हमारा पुराना घर आता है, और ये है वो फेमस सहारा लाउंज जो रोज़ हमारे घर से दिखा करता था, इसको भी देखे ज़माना हो गया ऐसा लग रहा है अभी, बट अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ पे हाई स्ट्रीट पे आता हूँ ना, ये हमारे एरिया का हाई स्ट्रीट है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे हाई स्ट्रीट पे आता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब देखने को, पुराने दिन यहाँ के ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि यही एरिया में हमने 1 साल स्पेंड किया है। चलो आपको दिखा देता हूँ, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, बस यहीं पे यही बिल्डिंग में हम लोग रहा करते थे। बज रहे हैं 10:00, मैं आ गया हूँ ज्योति तुषार के घर से वापस, और देख लो भाई इंडिया से हमारा पार्सल आ गया है, और सोचा था उससे डबल आइटम आई है, मैंने मम्मी को स्ट्रिक्टली बोला था इतना ज़्यादा मत भेजना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा माल आया है,
तो खुशबू क्या करे, दिखाए एक एक करके क्या क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये देखो, थैली भर के हमारी दवाइयाँ आ गई है। तो जो रूटीन दवाइयाँ लगती है, मुंह क्रीम है, फिर कुछ ऑइंटमेंट है, एक हमारे ना खदीर आदि, झंडू की खदीर आदि बहुत मस्त आती है, गले में खराश हो उसके लिए, यहाँ पे विंटर में जरूरत पड़ेगी उसकी, विक्स इनहेलर, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मंगा ली थी हमने। तो ये हो गया हमारा दवाई का बास्केट। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे हमारे पारूफेबा ने भेजी है चक्री। पारूफेबा की चक्री मतलब हमारे फैमिली में वर्ल्ड फेमस चक्री होती है। तो जब भी पारूफेबा मुझे फ़ोन करके बोलते हैं भाई क्या भेजूँ, तो मेरा हमेशा एक ही आंसर होता है पारूफेबा चक्री भेजो। तो पारूफेबा ने अपने हाथों से बनाई हुई चक्री का एक डब्बा भेजा है, सो थैंक यू पारूफेबा। नेक्स्ट आइटम है, अच्छा ये पूरा जो पैकेट है इसमें राखियाँ है अलग अलग, तो अभी आज तो नहीं खोलेंगे इसको, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे रक्षाबंधन के लिए राखियाँ भेजी है। कल सेलिब्रेट कल करेंगे हम लोग, कल सेलिब्रेट करने वाले रक्षाबंधन, क्योंकि अभी अभी आया रात के बज रहे थे, अभी तो करेंगे नहीं कुछ, बट चलो। चाकू फैबा, पारू फैबा, हीरल दीदी, यशवी और बस चार पांच लोगों की राखी आई है, तो ये सब कल खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। गेस करो ये क्या है। ये है कोकम। कोकम मंगाया था हमने, और यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के आटे हैं। अभी ये डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कुछ आटे हैं, ये एक आटा है, ये एक आटा है, ये शायद यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ये एक हमने खास करके मंगाया था, ये है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश। ये हम दोनों का फेवरेट फेस वॉश है, और ये यहाँ पे मतलब मिलता होगा कहीं पे, लेकिन हमने बहुत जगह पे ढूंढा, हमें कहीं पे नहीं मिला, तो ये एक हमने मंगा लिया था ज्योति तुषार के साथ। और भेजा है सिंगदाना, ये भी हमें चाहिए था, मम्मी ने सिंगदाना भेजा है। यहाँ पे डब्बा भर के ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम और अखरोट, ये सब मम्मी ने भेज दिया है। और है एक डब्बा भर के काजू कतरी, ये शायद मेरी बहन ने मुझे भेजी है, हीरल ने भेजी है, सो हीरल थैंक यू फॉर दिस। और एक है ये मेरा पर्सनल फेवरेट, ये भी हीरल ने भेजा, मेरी बहन ने भेजा है, ये तो प्रियंका, ये मतलब मेरा फेवरेट आइटम है ये। सो ये है, इसको है ना मैं एकदम संभाल संभाल के मतलब राशन करके खाऊंगा, क्योंकि ये भाई इंडिया में ही मिलती है। ये है पारसी डेयरी फार्म की ग्रेट इंडियन टॉफी। अगर आप लोग इंडिया में मुंबई में हो, खास करके पारसी डेयरी फार्म की ग्रेट इंडियन टॉफी खाना आप खाते रह जाओगे। ये प्योर दूध की टॉफी होती है, मेरी पर्सनल फेवरेट है ये। ये वो बर्न्ट मिल्क वाली है ना प्रिया, बाड़ेला दूध में बोलते ना, बाड़ेला दूध नी टॉफी, बहुत मस्त होती है खाने में ये। थैंक यू हीरल, फेवरेट है। और यहाँ पे दो डब्बे है अचार के, अभी ये खोल के देखना पड़ेगा कि कौन से अचार है इसमें। ये नहीं ना मामी ने दिया है। अच्छा, ये एक मेरे मामी ने दिया और एक मम्मी ने भेजा है, दोनों। अच्छा, दोनों मामी ने भेजा, तो दोनों हमारे नैना मामी ने भेजा है 2000 के डब्बे, तो थैंक यू नैना मामी। तो ऑल इन ऑल हमारा ये था कुछ हमारा पार्सल। काजू कतरी देख के आई कांट वेट। तो चलो और अब भी खोल देते काजू कतरी, मुंबई की मधुरम की, मुझे लगता है मधुरम की, हाँ मुंबई बोरीवली मधुरम की काजू कतरी, भाई ये भी एक वर्ल्ड फेमस आइटम है हमारे बोरीवली की। तो ये लो खुशबू ले लो, तो मैं भी खाऊंगा। मुंबई की याद आ गई भाई, मजा आ गया। और एक दो चीजें आई है, ये है एक ड्रेस या फ्रॉक, ये ज्योति खास नायरा के लिए लाई, सो थैंक यू ज्योति एंड तुषार, हमें बहुत अच्छा लगा, ये मस्त है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे पास एक और काजू कतरी का डब्बा आ गया, ये भी ज्योति और तुषार हमारे लिए लाया, सो थैंक यू गाइस। तो भाई ये था हमारा आज का इंडिया से आया हुआ रक्षाबंधन स्पेशल पार्सल, और इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग को एंड। कल का व्लॉग देखना मत भूलना, क्योंकि कल हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।